हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आपको बताया था बेड ड्राइव का वेग अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है। अब आपको उससे संबंधित प्रॉब्लम करवाते हैं। प्लीज राइट डाउन द प्रॉब्लम। एक क्षैतिज शाफ्ट 4 आरपीएम पर घूर्णन करता है तथा इससे एक अन्य समानांतर शाफ्ट को 5 आरपीएम पर चालित करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली चालक पुली का व्यास 600 मिलीमीटर है। यदि पट्टे की मोटाई 6 मिलीमीटर हो तो चालक पुली का व्यास ज्ञात कीजिए। यदि पहली कंडीशन है पट्टे की मोटाई को नगण्य मानते हुए, दूसरी कंडीशन है पट्टे की मोटाई को काम में लाते हुए। दोनों ही स्थितियों में आपको चालित पुली का व्यास ज्ञात करना है। तो देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप वो देख लीजिए कि कौन कौन सी जो अपने पास डाटा दिए हुए हैं। तो जैसे आप देख रहे हो प्रॉब्लम में ऊपर 36 इतने आरपीएम पर घूर्णन करता है, समांतर शाफ्ट को इतने आरपीएम चालित करने, इसको चालित करें, इसका मतलब ये चालक शाफ्ट है। तो ये चालक शाफ्ट हो गया। तो चालक शाफ्ट क्या है, N1 बराबर 4 आरपीएम और 40 शाफ्ट को अपन डिनोट करते हैं N2 से, N2 बराबर 5 आरपीएम। अब इसमें क्लियर दे रखा है चालक पुली का व्यास 600 mm, तो D1 बराबर 600 mm और D2 अपन को फाइंड आउट करना है। और दूसरी कंडीशन में अगर अपन को व्यास याद करना होगा तो इसलिए ये दे रखी है, थिकनेस दे रखी है पट्टे की, ये है 6 mm, इसकी जो मोटाई है 6 mm। तो सबसे पहले आपको वेग अनुपात का फॉर्मूला लगाना होगा। वेग अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, N2/N1 = D1/D2। अब यहाँ ये देखना है अपन को कौन कौन सी N1 की वैल्यू दे रखी है, N2 की वैल्यू दे रखी है, D1 की दे रखी है, D2 फाइंड आउट करना है। तो इसको इस फॉर्मूला लिख लो, D2 बराबर D1 × N1/N2। अभी सारी वैल्यू आपको दी हुई है, ये आप सीधे फॉर्मूले में पुट कर दीजिए तो ये आंसर आ जाएगा आपको 480 मिलीमीटर। ठीक है, अब इसी तरह आपको दूसरी कंडीशंस में आपको पट्टे की मोटाई को काम में देते हुए चालक पुली के व्यास याद करना है। तो उसमें फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि N2/N1 = D1/T/T2+T। अब आपको D2 याद करना है तो D2+T इस फॉर्मूले लिख के इस तरह लिख सकते हैं इसको, D2+T = D1+T × N1/N2। अब जो सारी वैल्यू ये दे रखी है ऊपर, ये सारी इनमें पुट कर दीजिए तो आपकी आ जाएगा D2+T = 484.8 mm। ठीक है, अब आपको डायमीटर की वैल्यू याद करनी है तो इसमें D2 = 484.8 - 6, ये जो T है इसको जो थिकनेस दे रखी है इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 478.8 मिलीमीटर। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि कई बार स्टूडेंट यहाँ तक ही करके छोड़ देते हैं वैल्यू को, D2+T = इतना, क्योंकि वो समझते हैं डायमीटर ये निकल गया, लेकिन इसमें से थिकनेस घटानी होती है, वही एक्चुअल डायमीटर होता है पुली का। ठीक है, और दूसरी गलती क्या करते हैं बच्चे ज़्यादातर, जैसे मान लो किसी एक का आरपीएम रोटेशन पर चक्र प्रति मिनट दे रखा है आरपीएम, दूसरा रोटेशन पर सेकंड आरपीएम दे रखा है, आरपीएस दे रखा है, तो आपको क्या करना है कि हमेशा कोई भी वैल्यू हो उनको सेम यूनिट में रखना होता है, डायमेंशन जो सेम होनी चाहिए यूनिट में। तो जैसे अगर रोटेशन पर मिनट है तो और दूसरा रोटेशन पर सेकंड है, तो या तो रोटेशन पर सेकंड को रोटेशन पर मिनट में कन्वर्ट करो या फिर रोटेशन पर मिनट को रोटेशन पर सेकंड में कन्वर्ट करो। इसी प्रकार अगर मान लो आपको वेग अनुपात पूछते हैं दोनों पुलियों का व्यास दिया होता है, उसमें अगर एक की वैल्यू जैसे मिलीमीटर दे रखी होती दूसरे की सेंटीमीटर में, तो दोनों को एक उसमें रखना होता है, या तो सेंटीमीटर में रखो या मिलीमीटर में, तो इस तरह उनको कन्वर्ट करना जरूरी है। ये बच्चे अक्सर गलतियाँ कर देते हैं।